देखिए इस्तीफा इन्होंने नैतिकता के नाम पर नहीं दिया है, संलिप्तता के आधार पर दिया है। नैतिकता और संलिप्तता में अंतर होता है। नैतिकता अगर होता तो उनके पति पे गंभीर आरोप लगा था, उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। आज CDR के रिपोर्ट जब सामने आए हैं कि 17 बार इनके पति उनसे लगातार ब्रजेश ठाकुर से कर रहे थे बात, वह ऐसे समय में जब कोशिश संस्था जांच कर रही थी, तो संलिप्तता है प्रथम दृष्टया में, इस बाबत उन्होंने इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं घसीटना चाहिए, तेजस्वी यादव जी ने तो एक बार भी इनसे इस्तीफा नहीं मांगा। कोई हमको दिखा दे चैनल वाले, कहीं बता दे कि इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री से मांगा था। आज मैं फिर कह रहा हूं कि आखिरकार जो विभाग इसमें संलिप्त है, चाहे PRD हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो या गृह विभाग हो, बगल में थाने थे, थाने बगल में रहने के बावजूद भी इतना बड़ा अनैतिक, दिल को दहलाने वाला, शर्मसार करने वाले घटनाएं बदस्तूर जारी थी, आखिर अकाउंटेबिलिटी किस पे तय होगी? थाना कौन देखता है? गृह विभाग कौन देखता है? सूचना जनसंपर्क विभाग से लगातार फंडिंग हो रहे थे, वो कौन देखता? सवाल है कि एड्स कंट्रोल बोर्ड से, सोसाइटी से लगातार इनके संस्थाओं को पैसे बदस्तूर मिल रहे थे। एक पदाधिकारी जिसने इनके संस्थाओं के खिलाफ लिखा, उसका तबादला कर दिया गया। आखिर में कौन लोग हैं बिना सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर शोषण का उम्मीद नहीं की जा सकती है? इसके प्रमाण है, कंडोम मिले, वहां पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली, ये सारे चीज साक्ष्य हैं। इसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ करके इस पर राजनीतिक हायत तो भी नहीं मचानी चाहिए। ये 34 अबलाओं का आंसू का सवाल है, उनके न्याय का सवाल है, जिसका कोई राबर नहीं, जिसका कोई नाम नहीं। तब तो बाल गृह संरक्षण में रह रही थी, उसको इस तरह से हवसा शिकार, और इस पर राजनीति धोती थोती दलील, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए नैतिकता के आधार पर पूरे प्रकरण को इस्तीफा मैं नहीं मानता, प्रथम दृष्टया में इस संलिप्तता के आधार पर इस्तीफा सामने आया है। सवाल ये उठता है, इस्तीफा उन्होंने दिया है, मंजूर हुआ नहीं हुआ? हमने तो कहा कि नैतिकता का तकाजा नहीं है, संलिप्तता का आधार है।